गेम हब ऑफिशियल का अपडेट आ चुका है। इस तरह से सर्च करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इमुलेटर मिल जाएगा, टेस्ट वर्जन जो रहेगा यहाँ पर ओपन करके इंस्टॉल कर लीजिएगा इस तरह से। अब यहाँ पर इंस्टॉल होने थोड़ा सा समय लगेगा और यहाँ पर हमारा इमुलेटर जो है देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। इमुलेटर ऑफलाइन है लेकिन गेम को इंस्टॉल करने के लिए और इंटरनेट की ज़रूरत है वाली बार यहाँ पर एग्री कर देंगे और यहाँ पर जो है टिक यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर कर देंगे। और यहाँ पर मैं गूगल से कर रहा हूँ, आप दूसरे ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हमारा जो है लॉगिन हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा यहाँ पर लॉगिन में, तो वेट करिएगा। तो यहाँ पर जो है लॉगिन हमारा हो चुका है और यहाँ पर परमिशन दे दीजिए। अब यहाँ पर इमुलेटर आ चुका है और यहाँ पर आपको माई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है इमुलेटर मिल जाएगा। यहाँ पर माई पर क्लिक किया और यहाँ पर आ चुके हैं इमुलेटर में। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमारा जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आ चुके ऑप्शन। अब यहाँ पर स्टीम ऑप्शन जो है आ चुका है, तो यहाँ से स्टीम लाइब्रेरी को एड कर सकते हैं। और यहाँ से अगर ऑफलाइन गेम है तो यहाँ पर इम्पोर्ट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर परमिशन दे दीजिए, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी फोल्डर में आपने गेम रखा है उस फोल्डर में जाइए और गेम के जो लॉन्चर है उसको ऐड करिएगा। तो यहाँ पर मैं जो है गेम मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं गेम है। अब यहाँ पर गेम में जहाँ पर लॉन्चर है उस फोल्डर में जिनमें जाना है और यहाँ पर क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पर कन्फर्म करेंगे ऐड हो जाएगा। अब फिर से माई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी गेम्स दिखाई देंगे और यहाँ से अगर नहीं दिखाते यहाँ पर थ्री लाइन पर जाकर गेम्स में जाएंगे तो भी यहाँ पर सारे गेम्स दिखाई देंगे। तो मैंने दूसरा भी गेम ऐड कर दिया है। गेम पर क्लिक करके और यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पीसी सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर इंटर कंटेनर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो कंपोनेंट वगैरह है डाउनलोड होने लगेगा और कंटेनर भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर वेट करिएगा थोड़ा सा और कंटेनर हमारा ये जो है डाउनलोड के बाद ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तेज़ी से हो रहा है और यहाँ पर सारा होने के बाद जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पर आ जाएगा जो है आपका माई पीसी का ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डी फोल्डर में जाएंगे तो आप डाउनलोड फोल्डर को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ से सेव फाइल या फिर गेम सेटअप को भी यूज मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से बाहर आ जा सकते हैं। और यहाँ पर एप्स में जाकर जो है आप यहाँ से रजिस्ट्री को भी मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पर जैसे और भी ऑप्शन है यहाँ पर शट डाउन करेंगे तो यहाँ से बाहर आ जाएंगे। और अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ पर नीचे रिसोर्सन का ऑप्शन है, यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं लो एंड डिवाइस के लिए और कम परफॉर्मेंस अगर मिल रहा है तो कम कर सकते हैं या फिर कस्टम भी यूज कर सकते हैं फुल स्क्रीन के लिए। मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज कर रहा हूँ और डिफ़ॉल्ट इस पर जो है मैक्सिमम गेम ओपन हो जाते हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी देते हैं तो मैं यही यूज करता हूँ। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं नीचे और भी ऑप्शन है जैसे कमांड लाइन, अगर DX12 का गेम DX11 में प्ले करना चाहते हैं कुछ गेम में होता है सपोर्ट तो यहाँ पर कमांड एड कर सकते हैं या फिर गेम फिक्स भी एड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ पर कॉम्पेबिलिटी में जाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कॉम्पेबिलिटी लेयर है और यहाँ पर आप जो मतलब अलग अलग जो है कॉम्पेबिलिटी लेयर को चेंज कर सकते हैं गेम के लिए। यहाँ पर जो प्रोटोन ARM है इसको सिलेक्ट करिए जिससे कि आप फ्लेक्स मोड पर भी गेम को प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर ऐड होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पर अगर चेंज करते हैं तो आपको एक जगह से और चेंज करना होगा, मैं बताता हूँ। तो पहली बार सिर्फ एक बार करना होगा, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ट्रांसलेटर जो है आपका यहाँ पर नीचे आएगा, तो अगर आप चेंज करते हैं तो यहाँ पर ट्रांसलेटर भी चेंज होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर फिक्स हो चुका है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये भी जो है चेंज होना लगेगा, मतलब यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे वहाँ से बॉक्स से फिक्स में हो जाए, जैसे ही फिर वहाँ पर चेंज करेंगे तो बॉक्स में हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो चुका फिक्स। अब यहाँ पर फिर से चेंज करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जैसे चेंज करेंगे यहाँ पर बॉक्स हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो वहाँ पर जब चेंज करें तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर मैं फिर से चेंज कर देता हूँ प्रोटोन AR, तो यहाँ पर जो देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है हमारा फिक्स मोड में। इस वीक को सेलेक्ट करिए, गेम इस पर जो है अच्छा चलता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे है आपका जो पैरामीटर है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सट्रीम पर बढ़िया परफॉर्मेंस मिलता है लेकिन हो सकता है फ्रीज हो जाए तो परफॉर्मेंस मोड का यूज करिएगा अगर फ्रीज हो जाता है तो, या फिर आप स्टेबल या कॉम्पेबिलिटी मोड का भी यूज कर सकते हैं अगर गेम में कोई प्रॉब्लम आती है तो। अगर हो सकता है तो आप कस्टम, गेम प्रीसेट सबसे बेस्ट होता है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, यहाँ से कस्टम भी यूज कर सकते हैं कोई ऑप्शन इनेबल करके अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सट्रीम करते हैं, अगर गेम नहीं चलता तो मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से बाहर चलते हैं,
यहाँ से डी इनपुट है अगर आपका कंट्रोलर नहीं काम करता है, टच कंट्रोल नहीं काम करता है। यहाँ पर इसकी वीडियो अगर गेम ओपन नहीं होता तो इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर जीपीयू ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस पर भी मेरा गेम चल जाता है डिफ़ॉल्ट पर, लेकिन अगर आपके फ़ोन में नहीं चलता तो आप सिस्टम ट्राई करिए, ये सभी डिवाइस के लिए माली जीपीयू में भी ये काम करता है। अगर ये टिलिट है नहीं काम करता है या फिर कोई गेम में ग्राफिक्स प्रॉब्लम, तो आप ये वाला यूज करिएगा। और इसके अलावा जो है सभी डिवाइस के लिए जो स्नैपड्रैगन के लिए ये वाला लेटेस्ट आया है, ये वाला यूज करेंगे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा, मतलब ओपन हो जाएगा सभी गेम्स, परफॉर्मेंस हो सकता है कम ज़्यादा नए लेटेस्ट में हो सकता है। तो बाकी जो है बाकी ऑप्शन को भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो देख सकते हैं कि DXVK का ऑप्शन है, तो यहाँ पर DXVK के अलग अलग वर्जन दिए गए। अगर माली GPU है तो आप ओल्ड वाला करिएगा। यहाँ पर मैं देख सिंक जो 1.0 ये कर सकते हैं, या फिर इससे भी पुराना ये वाला जो है, ये वाला सबसे बेस्ट है माली GPU के लिए। स्नैपड्रैगन में सभी जो है काम करते हैं, आप लेटेस्ट वाला भी यूज कर सकते हैं और डिफ़ॉल्ट भी, ओल्ड वाला कोई भी, लेकिन लेटेस्ट यूज करेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। यहाँ पर BKD या DX12 गेम के लिए अगर लेटेस्ट यूज करेंगे परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा मिल सकता है। अगर गेम नहीं चलता है, फ्रीज होता है, तो आप डिफ़ॉल्ट रखिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। CPU कोर नीचे आपको CPU कोर लिमिट मिलता है, इससे जो है आप अपने जो परफॉर्मेंस कोर या फिर सभी कोर्स को इनेबल कर सकते हैं। अगर 8 कोर है परफॉर्मेंस का तो आप 8 करिए, मेरे में 6 है तो मैं 6 को सेलेक्ट करता हूँ। अगर 4 है तो 4 का सेलेक्ट करिए। सभी को नो लिमिट करेंगे, अगर गेम क्रेश होता है तो सभी फिक्स होता है। यहाँ पर जो वीडियो मेमोरी है, अगर इसको कम कर देते हैं, अगर गेम क्रेश होता है रैम कंजप्शन के कारण, तो इसको बंद हो जाएगा। तो यहाँ 3 GB, 4 GB या फिर इससे भी कम रख सकते हैं कुछ गेम के लिए, लेकिन नो लिमिट इस गेम के लिए रख सकते हैं। मैक्सिमम गेम जो है ऐसे प्रॉब्लम नहीं। अब कंपोनेंट में आप कंपोनेंट को भी इंस्टॉल कर सकते हैं अलग अलग, जो कंपोनेंट अगर गेम नहीं ओपन होता तो मैक्सिमम जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर टच कंट्रोल है, यहाँ पर इसको जो है इनेबल कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से बैक हो जाते हैं और एग्जिट हो जाते हैं, यहाँ से बैक हो जाते हैं फिर से। अब यहाँ पर जो है हमारा हो चुका है सेटिंग। अब जो है प्ले के आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो है गेम ओपन हो जाएगा। अब इंटरनेट को बंद कर सकते हैं। Please, Blake. Man, you bought the time. We should record an intro while we're up here.
production value? Sure. Can't work my diaphragm with this thing on. Audio's gonna be crap. We'll have to... Whoa! The fuck? Fuck! Sorry about that. My panel's a little soft, but we're good. Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather. Have a soup pie. Have a soup pie. Okay. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim Jane Doe. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Jesus! Is... No, there's no bodies.
She's not in here. Lynn! Lynn! Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Crash. Fuck this. Lynn. सेकंड गेम के लिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग है और यहाँ पर जो है VKD को जो है ऑन करते हैं और लेटेस्ट टर्निप को भी यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं हमारा गेम ओपन होने वाला है। Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the Rasko broke free. Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Did you say something? Nothing. I'll put her down.